हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के जानकार संतोष सिंह, जो इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार अखबार में लिखते हैं। तो अंदर क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, 15 पार्टी की मीटिंग हुई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग थे, आपने देखा ही। एक चीज़ तो तय हो गया कि ये लोग साथ में कंटेस्ट करेंगे। एक ही चीज़ जो अब इसमें लग रहा है कि केजरीवाल को है कि ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस की उनको ओपन सहमति चाहिए, जो कि प्रेस स्टेटमेंट आ रहा है उस जिस तरफ से वो आए नहीं, केजरीवाल का सवाल नहीं लिया, वही है। तो इस पे तीन ही टेकअवे था कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है, केजरीवाल का क्या स्टैंड है। लेकिन जो कन्वर्सेशन आपने सीताराम येचुरी का देखा, ममता बनर्जी का देखा, तो हमको लगता है कि CPM अपना ग्राउंड सीट करने के लिए तैयार है वहाँ। मतलब अभी तक ऐसा लग रहा है, उन दोनों में नहीं लगा। एक जो टफ स्टैंड ले रहे हैं वो केजरीवाल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि चूँकि उनके पास दो स्टेट्स है, अभी पंजाब है, अब वहाँ दोनों जगह अपोनेंट हैं, दिल्ली में दोनों जगह अपोनेंट हैं। तो वो मुझे लगता है कि वही एक जिच है, हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग तक में कांग्रेस का ये स्टेटमेंट आ जाए कि हम ऑर्डिनेंस पर आपको सपोर्ट करते हैं, या हो सकता है कि उनकी एक प्रेशर हो सीट शेयरिंग को लेकर के, एक कांग्रेस कितना दे सकती है, क्योंकि पंजाब में हारने के बाद भी असेंबली इलेक्शन अभी भी एक मेजर स्टेक होल्डर कांग्रेस है, लेकिन वो चाहेगी आम आदमी पार्टी की उनको एक लायंस शेयर मिले। तो ये बातें होंगी, पंजाब और दिल्ली में की बात थोड़ी सी अटकी हुई है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि उनको अगर माइनस करके भी आप देखें कि 14 पार्टीज का एक साथ आना, ये चीज़ ना 14 में हुआ था ना 19 में हुआ था, ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि अपोजिशन यूनिट की वे फॉरवर्ड है। अब शिमला में क्या होगा कि इतना तो तय हो गया, दे विल कंटेस्ट वहाँ सीट शेयरिंग। और एक और बात बताई, मैं नाम भूल रहा हूँ किसने बताया, कि स्टेट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी का क्या फार्मूला होगा, हमारा महाराष्ट्र खड़गे ने महाराष्ट्र का क्या फार्मूला होगा। वो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि कांग्रेस अपना ग्राउंड कंसीड करने के लिए तैयार दिख रही है, जैसे कि 421 सीटें लड़ी थी, तो हो सकता है उन पर दबाव हो, 350 तो वो लगते हैं, तो एक इशारा उन्होंने दिया है कि लड़ सकते हैं। तो अगर रीजनल पार्टी जहां स्ट्रांग है, कांग्रेस अपना ग्राउंड सीड करती है, जहां कांग्रेस स्ट्रांग है, रीजनल पार्टी ग्राउंड को सीड करे, तो बात बनती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल एक ही जीच है। हाँ जी, हमने देखा कि शुरुआत में 17 पार्टियां थी, नीतीश कुमार ने शुरू किया, और अंत में अमर अब्दुल्ला तक जाते उन्होंने कहा कि 15 पार्टियां। ये कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं नहीं, 32 लोग इसमें अटेंड किए हैं आपके। हाँ। हमारे पास दोनों के पास लिस्ट है, वो लिस्ट में नेताओं को अगर देखेंगे, पार्टियां निकालेंगे आप, 15 पार्टी है। और एक RLD को आना था, जयंत को, तो उन्होंने, उनको शायद कोई फॉरेन का ट्रिप था, तो उन्होंने नीतीश जी से कहा कि हमारा ऑलरेडी प्री शेड्यूल था कि हम इसीलिए जा रहे हैं, तो उनको मिलाकर के 16 पार्टी, टोटल 17 पार्टियां हम लगा कर थी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी का, जो कि आज के डेट में वो NDA में चले गए हैं, तो 16 पार्टियां हैं अभी के डेट में, हो सकता है और एक दो पार्टियां बाद में ऐड हो। आपसे लास्ट सवाल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो सबने सुना, जो बॉडी लैंग्वेज था उनका, जो बात करने का तरीका था, जहां पर बता रहे थे कि विपक्ष को आप विपक्ष मत कहिए, दूसरे शब्दावली से कहिए, इस तरीके से बातों से क्या संकेत मिल रहा है? ये संकेत मिल रहा है कि उनको लगता है कि इनको ये बहुत बड़ा चांस है साथ में आने का, अगर ये नहीं आएंगे तो ये एक हिस्टोरिक भूल होगी। ये बात सब समझ गए हैं कि बैक टू बैक दो इलेक्शन जीत चुके हैं, अगर हैट्रिक मार देते हैं तो फिर अपोजिशन पार्टी का क्या होगा, उनके लिए सब, बहुत सारे लोगों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, उनको लगता है साथ में आते हैं। महुआ मुक्ति ने क्या कहा कि हमारे पास ज़्यादा सीट नहीं है, हम आइडिया ऑफ इंडिया के लिए साथ हैं, दैट इज़ ए ग्रेट स्टेटमेंट टू मेक। उन्होंने ये, अब इस तरह से वो कॉमन मुझे ग्राउंड बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ से वो कंटेस्ट, ऑफकोर्स डिफरेंट पार्टी हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोगों के डाइवर्जेंट होंगे, वो कोलाइड होगा, वो चीज़ें होगी मुझे, लेकिन लगता है कि दूसरी मीटिंग तक ये एक पोस्टरिंग केजरीवाल ने किया है कांग्रेस के अगेंस्ट में, मुझे लगता है इसके बाद बात बनेगी। नहीं, एक फेस नहीं लड़ेंगे, आप देखिए बहुत सारे क्लेमेंट हैं, आप ममता बनर्जी हो सकते हैं, वो बाद में जो नंबर्स आएगा ना उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर ये एक आदमी किसी को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये अपोजिशन यूनिटी होने के पहले खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से खबर उड़ाई गई संयोजक की। हाँ हाँ, ये चल रही है ये। नहीं नहीं, ये एक कपोल कल्पित बात है, कोई संयोजक नहीं बनाया जाएगा। संयोजक बनाने का मतलब है कि आप उसको आगे कर रहे हैं। और आप देखिए, आपने बहुत देखिए, एक ध्यान देने लायक बात है कि एक मीटिंग पटना में हुई, दूसरा कांग्रेस ने लीड लिया, ये बात क्यों नहीं सिर्फ देख रहे हैं? कांग्रेस ने लीड लेके शिमला में कहा, पटना मीटिंग में सब कुछ तय नहीं कर दिया। तो कांग्रेस भी एज ए सेंट्रल पार्टी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होती है, जो इसके इस यूनिटी का फुल फलक्रम बन रही है,
तो उसने भी लीड लिया है सेकंड मीटिंग का, उसमें सीट शेयरिंग स्टेट वाइज डिस्कशन होगा कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आगे बढ़ेगी। इस बीच में कांग्रेस और आपके बीच में, केजरीवाल के बीच में संवाद का भी समय है।